नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, SYBSC मैथमेटिक्स में आप लास्ट टाइम जो जियोमेट्रिक सीरीज विषय बात कही थी। जियोमेट्रिक सीरीज शू कहे छे? तो के कोई आर रेस टू n माइनस वन वन प्लस आर आर स्क्वायर रेस टू आर रेस टू n माइनस वन इज कॉल्ड इज ए जियोमेट्रिक सीरीज। तो याद कर लिए जियोमेट्रिक सीरीज माटे जियोमेट्रिक सीरीज माटे कोई तुमने समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी आर रेस टू n माइनस वन वन प्लस आर आर स्क्वायर अप टू आर रेस टू एन माइनस वन इसको लिया इज अ जियोमेट्रिक सीरीज। तो फॉर एग्जाम्पल कोई तुमने आपेलू है कि वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट मैं ते एग्जाम्पल आप तुमने इसको इज एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी समेशन में वन अपॉन टू रेस टू एन इस कॉल्ड इज अ जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज माटे कन्वर्जन डाइवर्जन और ओसिलेटरी सीक्वेंस के फाइनाइट और इनफाइनाइट माटे जोयुं। जो तमे कन्वर्जन सीक्वेंस होय त्यारे तमने शू कंडीशन मळे? तो के कन्वर्जन्ट माटे मोड ऑफ आर लेस देन वन होय, मीन्स मोड ऑफ आर लेस देन वन माइनस वन और वन नी वच्चे होय तो आप कन्वर्जन कहसू। त्यार डाइवर्जन शू कहसू? तो के डाइवर्जन आर ग्रेटर देन ओर इक्वल टू वन होने ओसिलेटरी सिक्वन्स के फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म माटे कोना माटे? तो के फाइनाइट और इनफाइनाइट माटे फाइनाइट माटे शू करशू? तो के फाइनाइट माटे आर इज इक्वल्स टू माइनस वन और आर लेस देन माइनस वन। तो कन्वर्जन डाइवर्जन और ओसिलेटरी सिक्वेंस माटे आपणे आ कंडीशन जोई थी। हवे एमना एक्जाम्पल जोईए तो शू कहे छे अहींया आगळ एक्जाम्पल? पहेलो जे एक्जाम्पल जोईए, फाइंड ध सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टू डिवाइड बाय थ्री प्लस वन डिवाइड बाय थ्री प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स प्लस वन डिवाइड बाय ट्वेल्व प्लस अप टू प्लस इन्फिनिटी। आमने माटे आपणे एस इन्फिनिटी टर्म आपणे फाइंड करवू छे। तो टू डिवाइड बाय थ्री वन डिवाइड बाय थ्री क्यारे थाय? तो के टू डिवाइड बाय थ्री इंटू वन डिवाइड बाय टू करो तो वन डिवाइड बाय थ्री थाय। त्यारबाद टू डिवाइड बाय थ्री वन डिवाइड बाय थ्री करो तो अहीं अपने वन टू डिवाइड बाय थ्री थ्री टू झा सिक्स थ्री टू झा सिक्स टू टू कैंसल हजी टू वडे मल्टिप्लिकेशन करो तो बनशे वन डिवाइड बाय सिक्स। त्यारबाद अहीं फोर तो अहीं टू क्रॉस टू क्रॉस टू एक टू कैंसल थी जाए आपणे फोर तो जोईए ज छे। तो आवी रीते एमनी टर्म बने छे। तो आमनो ए टर्म आपणने शू मळे छे? जियोमेट्रिक सीरीज जोईए छे, ए टर्म आपणने टू डिवाइड बाय थ्री मळे छे अने एमनो आपणને आर શું મળે છે? વન ડિવાઈડ બાય ટુ કેમનો ડિફરન્સ? તો કે ડિફરન્સ માટે આપણને વન ડિવાઈડ બાય ટુ મળે છે આર। તો એસ ઇન્ફિનિટી માટે ટર્મ માટે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વન અપોન આર આપણે જોઈએ છીએ કારણ કે કન્વર્જન્ટમાં આપણે એવું કીધું હતું કે વન અપોન વન માઇનસ આર ટર્મ જોઈએ છે। તો ટુ ડિવાઈડ બાય થ્રી વન માઇનસ વન ડિવાઈડ બાય ટુ टू डिवाइड बाय थ्री वन डिवाइड बाय टू तो फोर डिवाइड बाय थ्री तो अँ आग तमने शू मळशे? तो के फोर डिवाइड बाय थ्री। आवी ज रीते एक्जाम्पल नंबर सात आपेलो छे, जोईए एक्जाम्पल नंबर सात शू कहे छे आपणने।
टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दी सीरीज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to infinity 7:2n अपॉन 3:2n। तो कन्वर्जेंस सीरीज एन इज इक्वल टू 0 to infinity माटे nth टर्म ऑफ सीरीज यू एन इज इक्वल टू 7:2n अपॉन 3:2n। तो अपन टर्म आपेलू है तो आपने आ रीते लखी सकते 7² 3² ऑल रेस टू n कही सकें। तो 7² 49 3² 9 रेस टू n। अब आ रीते आमनु समेसन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to infinity यू एन आ तो यू एन आपेलू है तो एन इज इक्वल टू 0 to infinity 49/9n। तो एन इज इक्वल टू 1 to infinity आने 0 0 49/9 रेस टू 0 एट 1 49/9 रेस टू 1 एट 49 49/9² प्लस अप टू प्लस इन्फिनिटी आवी ज रीते 49/9 क्या सुधी एन टर्म ऑफ इन्फिनिटी सुधी। तो आपणे विचारीए के 49/9 छे ई कोई अपन आर आपणने आपेलो हशे तो अहींया आर 49/9 थाय तो आर इज इक्वल टू 49/9 ई आमने केवू हशे ग्रेटर देन 1 करता केवू हशे मोटू हशे कारण के 49 27 1 2 2 27 27 1 point something आउसे 27 it's a 1.8 something आउसे तो आके वो हसे 1.8 greater than 1 तो जर अपन r greater than 1 मरे त्यारे or equal to कारण के 1 अथवा 1 करता मोटी तो आपने सीक्वेंस के भी मरे चाहे आर ग्रेटर देन वन माटे सीक्वेंस डाइवर्जेंट मरे चाहे तो हमने आर चेक करवानो रेस। तो जो ही आपने यार पच्ची नो एग्जांपल तो यहाँ अगर यार पच्ची नो एग्जांपल जो ही ત્યાર પછીનું એક્ઝામ્પલ આપણને શું કહે છે ટેસ્ટ ઓફ કન્વર્જન્સ ઓફ ધ સિરીઝ સમેશન ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી 3 રેસ ટુ 2n 2 રેસ ટુ 2n। અગાઉનો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો તો આ un ને આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ને આપણે 3 નો સ્ક્વેર 2 નો સ્ક્વેર રેસ ટુ n લખી શકાય 3 નો સ્ક્વેર શું થશે અહીંયા 9 2 નો સ્ક્વેર 4 રેસ ટુ એન હવે 0 મૂકીએ તો 1 આવે 1 મૂકીએ ત્યારબાદ 2 મૂકીએ અપ ટુ એન ટર્મ મૂકીએ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી તો 1 પ્લસ 9 રેસ ટુ 4 81 અપોન 16 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 9 અપોન 4 રેસ ટુ એન અપ ટુ ઇન્ફિનિટી। તો અહીંયા આપણે 9:4 હશે એ આપણો અહીંયા શું હશે આર હશે। તો જીઓમેટ્રિક સિરીઝ આપેલી છે અને આપણો આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 9:4 9:4 છે એ ગ્રેટર દેન આપણને 1 મળી શકે છે જીઓમેટ્રિક સિરીઝમાં માટે આર ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 માટે ગિવન ધ સિરીઝ ઇઝ ગિવન ધ સિરીઝ ઇઝ ડાયવર્જન્ટ। તો અહીંયા આગળ
ત્યાર પછીનો એક્ઝામ પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યાર પછીનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધ ટેસ્ટ ઓફ કન્વર્ઝન્સ, ધ ટેસ્ટ ઓફ કન્વર્ઝન્સ ઓફ ધી સિરીઝ 1 માઇનસ 1 બાય 2 પ્લસ 1 બાય 2 નો સ્ક્વેર માઇનસ 1 બાય 2 નો ક્યુબ અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. આમનો આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ટર્મ આપેલું નથી, એટલે આપણે આમનો un ટર્મ બનાવવો પડશે, બરાબર છે? તો un ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 1 માઇનસ 1 બાય 2 પ્લસ 1 અપોન 2 સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ 1 અપોન 2 ક્યુબ અપ ટુ ઇન્ફિનિટી. તો આમનો r શું મળે છે? 2 નો સ્ક્વેર 4, તો આમનો r, તો કે r માઇનસ 1 બાય 2 હશે, એ માઇનસ લેસ દેન 1 હશે r, તો માઇનસ 1 આ લેસ દેન 1 હશે મોડ ઓફ r, તો મોડ ઓફ r લેસ દેન 1, તો માટે ધ ગિવન ધ સિરીઝ ઇઝ ગિવન ધ સિરીઝ ઇઝ કન્વર્જન્ટ. તો આવી જ રીતે તમને સિરીઝ આપેલી હોય અને સિરીઝ હોય એ તમને ઘટતા ક્રમમાં હોય તો તમારે કન્વર્ઝન કહેવાનું છે, અને વધતા ક્રમમાં હોય તો તમે ડાયવર્ઝન કહી શકો. તો આવી જ રીતે એક્સરસાઇઝમાં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, તો આપણે એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલ જોઈશું. તો અહીંયા આપણે જીઓમેટ્રિક સિરીઝ કન્વર્ઝન ક્યારે હોય, ડાયવર્ઝન ક્યારે હોય, ઓસિલેટરી ક્યારે હોય ફાઇનાઇટલી અને ઇન્ફાઇનાઇટલી માટે એ આપણે જોયું અને એના એક્ઝામ્પલ જોયા. તો રાખીએ આટલું અહીંયા. ત્યાર પછી આપણે એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલ બાદ આપણે પી ટેસ્ટ, કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો રાખીએ આટલું.